मुरादाबाद में तमाम शिकायतों के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने में जिला प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। चाइनीज मांझे से आए दिन लोगों के घायल होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इसी क्रम में बीते दिन युवा अधिवक्ता सुनील कुमार सक्सेना ने अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सुबह जब कचहरी से अपनी स्कूटी पर सवार होकर लाइन पार जा रहे थे, तभी एक का द्वार के पास चाइनीज मांझे की जद में आकर वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके नाक और मुंह पर गहरे घाव हैं और काफी खून भी बहा है। वहीं घायल अधिवक्ता सुनील कुमार सक्सेना ने एसएस लोकल लाइव संवाददाता को क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सक्सेना जी। सक्सेना जी, क्या समस्या है आपकी? कल तकरीबन 6:30 बजे की घटना है। मैं अपना चम्मा बंद करके अपने घर जा रहा था स्कूटी से, तो जैसे ही मैं एक तरह के आगे पहुँचा तो स्कूटी से अचानक एक मांझा टाइप का मेरे पास आया। मांझा जो है टकराया, जिसने मेरी नाक लगभग तीन घड़ी काट दी, और जो है उस मांझे जैसे हटाया मैंने तो मेरा गाल और ये भौहें और ये आँख के नीचे का हिस्सा सब इंजर्ड हो गया। गाड़ी भी स्लिप हो गई और साथ में चोटें आई हैं। मेरी प्रशासन से ये अपील है कि इस चाइनीज मांझे जो मांझे बना रहे हैं या जो बेच रहे हैं या जो पतंग उड़ा रहे हैं, इन पर साथ सख्त कार्रवाई हो, जिससे इस तरीके की घटना भविष्य में ना हो, क्योंकि ऐसी घटनाएँ लगातार सुनने में अखबार के माध्यम से सुनने में आ रही है जो बहुत ही खतरनाक है। इससे कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। मेरी ये अपील है कि प्रशासन से, सरकार से, प्रशासनिक अधिकारी से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जनहित का हवाला देते हुए चाइनीज मांझे पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने के लिए ठोस रणनीति बनाए जाने की अपील की गई है।
गौरतलब है कि इस अवसर पर मुख्य रूप से तुंगेश यादव, विजयवीर सिंह यादव, अतहर अंसारी, आमिर कुरैशी, अनिसुद्दीन कातिब, केसर अली कुदेशी, नाजिर खान आदि लोग मौजूद रहे। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू और संचालन निवर्तमान महासचिव कुलदीप तुरेहा एडवोकेट ने की।